हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मालाराम सर पे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत का जो संविधान है, आज की जो सरकार है, प्रशासन है, हमारा जो संविधान है, उसके ऊपर कौन कौन सी चीजों या किन किन घटनाओं का प्रभाव पड़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं एक बार। कि 1600 में जो अंग्रेज हैं वो भारत में यहाँ व्यापारी के उद्देश्य से आए, व्यापार करने के लिए। और उस समय जो महारानी एलिजाबेथ थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उसने अंग्रेजों को चार्टर पे साइन कर दिए थे। साइन कर दिए, या ऐसे कहें कि उनको अनुमति मिल गई थी महारानी की कि भाई हम भारत में व्यापार कर सकते हैं। तो महारानी को, महारानी ने अनुमति दे दी। वो जो अंग्रेज यहां व्यापार करने के उद्देश्य से जो आए थे, वो जो अंग्रेज यहां पे व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, उनका जो ग्रुप था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता। देखो जो दो चीजें हैं जो अंग्रेजों ने जो शासन किया था, तो उसमें दो चीज ध्यान रखनी आपको कि 1773 से लेकर के और 1858 तक का जो समय है वो तो कहलाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय, ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। और 1858 से लेके भारत आजाद हुआ 1947 तक, ये समय कहलाता है अपना ताज का शासन या क्राउन का रूल या क्राउन का शासन। तो इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि 1773 से लेकर के और जो अपना 1858 था, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के बारे में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए आए थे और यहाँ एक व्यापारी के रूप में थे, ठीक है। और व्यापारी के रूप में धीरे धीरे उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो भारत की राजनीति में दखलंदाजी देने की भी हो गई। अब वो जैसे तैसे करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, भारत के जो आंतरिक या ऐसे कहें कि जितने जो मामले थे उनमें वो टांग अड़ाने लग गए। और इसके बहुत सारे कारण रहे, भारत के राजाओं को उन्होंने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, किसी को पैसे दिए, किसी को और कोई चीज़ का लालच दिया। इसके साथ साथ आपस में फूट डाली राजाओं, राजाओं को आपस में लड़ाया। अब साथियों जो पलासी का युद्ध था, पलासी का युद्ध 23 जून 1757, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को था, उसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव, ये नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का। और भारत की तरफ से जो सिराजुद्दौला हैं साथियों, उनकी हार हो गई। तो भारतीयों की एक पलासी के युद्ध में हार, और दूसरी 1764 में बक्सर का युद्ध, अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध। और इस बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था या कौन था उनका जो मुखिया, जो युद्ध का नेतृत्व करा था? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। जबकि भारतीयों की तरफ से तीन राजाओं की संयुक्त सेना लड़ी थी, जिसमें मीर कासिम, सुजाउदौला
और शाह आलम द्वितीय शामिल थे, लेकिन हेक्टर मुनरो इस युद्ध को भी जीत जाता है जो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कई इसको 23 अक्टूबर ही मानते हैं, लेकिन ज्यादातर 22 अक्टूबर 1764 दे रखा है। तो पलासी के युद्ध के बाद में और बक्सर के युद्ध के बाद में जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो हैं उन्होंने क्या किया साथियों, कि उनका एक प्रकार से ऐसे कहें भारत की राजनीति में दखलंदाजी शुरू हो गई। अब जो 1765 है, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों की दीवानी मिल गई अंग्रेजों को, यानी न्याय संबंधी मामले और राजस्व संबंधी टैक्स संबंधित मामले ये सब में वो बंगाल बिहार उड़ीसा के ऊपर उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद में जैसे आम सब ने पढ़ा कि 1857 की जो क्रांति हुई, 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों को यह सोचने पे मजबूर कर दिया कि भारत के ऊपर राज करना है तो यहां की जनता के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके और किस तरीके से ताज के शासन के अंतर्गत दे दिया गया। अब उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि अंग्रेज ये सोचने पे मजबूर हो गए कि भाई भारत को हमें आजादी या दे देनी चाहिए। बाद में फिर हमारा संविधान बनता है, लेकिन जैसे 1934 में जो एमएन रॉय हैं, एमएन रॉय जो क्या थे, साम्यवाद के प्रेरणाता थे या प्रेरणाता थे, कहां भारत में जो साम्यवाद आंदोलन के प्रेरणाता थे एमएन रॉय, उन्होंने एक ऐसा बोला था कि भाई जो भारतीयों को यदि हमें शासन मिले तो हमारा संविधान है वो हम खुद तैयार करें या हमारे द्वारा एक चुनी हुई संविधान सभा होनी चाहिए। एमएन रॉय ने और 1935 में यही ऐसी बात कांग्रेस ने भी रखी थी संविधान सभा के बारे में। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि भाई हम जो खुद हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सभा है वो हमारा संविधान तैयार करेगा, ऐसा होना चाहिए। तो अब जो एमएन रॉय की जो बात थी उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया कि भाई भारत को आजादी दी जाए तो उसका संविधान कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। आप देखो साथियों, संविधान सभा का गठन कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान भी लागू हो गया। लेकिन उसको जो अफेक्टेड या प्रभावित करने वाली कौन कौन सी चीजें थी, जो जैसे उससे पहले भी अंग्रेजों ने छोटे मोटे संशोधन किए थे, तो उनके बारे में हम एक एक करके हम सभी का यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो उसमें जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पहला पढ़ेंगे हम, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बाद में पढ़ेंगे नंबर दो पे पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद में पढ़ेंगे नंबर तीन पे चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1833, और उसके बाद में पढ़ेंगे नंबर चार पे चार्टर अधिनियम 1853, चार्टर अधिनियम 1853। ये चार हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों इसके बाद अब हम शुरू करते हैं अपना जो इन रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853, ठीक है। तो अब हम देखते हैं देखिए साथियों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो उसमें देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो अंग्रेजों ने कुछ सुधार करने के लिए शुरू किया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट है क्या और उसकी विशेषता क्या है, तो रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है।
बंगाल का जो पहले गवर्नर कहलाता था उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया, और जब उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन कर दिया गया। चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर कौन था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग। तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद में देखो साथियों, जो मद्रास बंबई के जो गवर्नर जनरल थे, बंबई के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। कि पहले मद्रास का गवर्नर और बंबई का गवर्नर अलग अलग थे, अब सभी आ गए बंगाल के गवर्नर के अंदर ही सारे आ गए, ठीक है। इसके साथ साथ 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई। रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए क्या किया गया? 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना करी गई, जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे साथियों। और जो महत्वपूर्ण बात थी कि कंपनी का कोई भी जो अधिकारी है अब निजी व्यापार नहीं करेगा, अब वो खुद व्यापार नहीं करेगा, न किसी से कोई गिफ्ट लेगा, उपहार लेगा और न ही रिश्वत लेगा। इस चीज के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करी गई कि भाई जो निजी व्यापार है, व्यक्तिगत व्यापार है, आदमी कोई जो अधिकारी है वो खुद अपना व्यापार कर रहा है वो नहीं होगा, न कोई किससे उपहार या गिफ्ट लेगा। और इसके साथ साथ रिश्वत के ऊपर भी क्या लगा दिया गया? बैन लगा दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी गई। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था क्या कि एक गवर्निंग बॉडी थी, शासन करने वाले कुछ लोगों का समूह था ये। और इस गवर्निंग बॉडी में जितने अधिकारी थे, यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई सैन्य संबंधित या ऐसे कहें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो उन अधिकारियों को ब्रिटिश को या अंग्रेजी सरकार को बताना बहुत जरूरी कर दिया गया है। इसमें गवर्निंग बॉडी का मतलब ये है यहाँ पे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमने पढ़ा साथियों। रेगुलेटिंग एक्ट है क्या ये? मतलब कि उनको नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। और इसके प्रावधान क्या क्या थे, इसमें क्या क्या बताया गया था? बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीन आ गए अब, या वो ही वहां का गवर्नर जनरल बन गया। और 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, और भाई निजी व्यापार है, कोई गिफ्ट वगैरह है, रिश्वत वगैरह है, इनके ऊपर बैन कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की क्या कर दी गई? नियुक्ति कर दी गई। ये क्या था? एक गवर्निंग बॉडी थी जो जितनी भी जो बातें हैं सैन्य मामलों से संबंधित हो या कोई शासन से संबंधित हो, सारी की सारी बात है ना वो अंग्रेजों को जाकर के बताते थे। उसके बाद में साथियों हम देखते हैं नेक्स्ट अपना कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि राजनीतिक और जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं या कार्य हैं इनको अलग अलग कर दिया गया। इससे पहले तो वाणिज्यिक गतिविधियां भी साथ चल रही थी और राजनीतिक गतिविधियां भी, अब इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट में राजनीतिक और जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ा अलग किया गया था। हालांकि एक जो 1773 था उसके तुरंत बाद में 1773 के तुरंत बाद में 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी निकाला था, वो भी पिछला जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, उसकी कमियों को दूर करना था, लेकिन उससे उसका कोई ज्यादा वो रोल नहीं रहा। इसलिए उसके तुरंत बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट निकाला गया, ठीक है। तो राजनीति को और वाणिज्य को अलग अलग काम करती है कि भाई राजनीति का अलग या राजनीतिक कार्य है वो थोड़ा अलग है और वाणिज्यिक कार्यों को थोड़ा अलग देखा जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ध्यान रखना, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना कर दी गई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है। और जो निदेशक मंडल था ये सिर्फ व्यापारिक मामलों का ही अधीक्षण कर सकता था या उनको देख सकता था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना वो सारे कामों को देखता, उसमें सबसे मेन था राजनीतिक कार्य। तो देखो पिट्स इंडिया एक्ट में पहला क्या बताया कि व्यापार राजनीतिक और वाणिज्य के जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो राजनीतिक कामों को भी देखता, निदेशक मंडल व्यापारिक कामों को भी देखता। अब इसमें देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये अनुमति थी कि वो नागरिक सैन्य राजस्व सरकार संबंधी गतिविधियों पर नजर रखे या जो भी हो। देखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो नया बनाया गया उसमें क्या था कि उसको ये फुल परमिशन थी
कि आप कोई भी नागरिक या किसी नागरिक से संबंधित या सैन्य यानी सेना से संबंधित, राजस्व टैक्स से संबंधित और सरकार से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उनके ऊपर आप पूरा नियंत्रण रखो, आप पूरा नियंत्रण रखो। तो ये थी भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, उसका मुख्य मुख्य विशेषता भाई राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है, और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कर दी। ये सिर्फ राजनीतिक कार्य देखता और जो एक निदेशक मंडल था वो सिर्फ व्यापारिक मामले भी देख सकता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, ये हर चीज में फ्री था, चाहे सैन्य मामले हो, चाहे राजस्व मामले हो, सरकार से संबंधित मामले हो, नागरिक संबंधी मामले हो, सब में फ्री था ये इनके ऊपर नियंत्रण करने में। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, नेक्स्ट देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। अब 1833 का चार्टर अधिनियम में हम देखेंगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है ना, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी जो अंग्रेज हैं वो अभी समझ चुके थे कि हमें पूरे भारत के ऊपर क्या करना है, एक प्रकार से नियंत्रण करना है, अंग्रेजी जो प्रशासन है या उनकी जो गतिविधियां हैं वो पूरे देश में फैलानी है, ठीक है ना। तो पहले जो गवर्नर जनरल था वो सिर्फ कहाँ का था, बंगाल का था, पढ़ा था ना हमने 1783 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था अकेला बंगाल का। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको क्या कर दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया साथियों, पूरे हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल। और कौन था पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये चीज याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है, ये भारत के पहले क्या थे, गवर्नर जनरल, ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया, पहले के कानूनों को नियामक व अब अधिनियम या एक्ट कहा जाने लग गया। ये दूसरी बात थी साथियों, ध्यान से रखना, यहां एक शब्द देखो नियामक और एक शब्द देखो अधिनियम या कानून या अधिनियम या एक्ट जो, सॉरी, ठीक है। तो देखो मद्रास और जो बंबई था उसके गवर्नर जो पहले विधायिका संबंधी कानून बना सकते थे, विधायक बना सकते थे, कोई कानून उन्हें बनाना होता, अब उनको वंचित कर दिया गया। सिर्फ ये पावर भी किसको दे दिया गया, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो ही करेगा, और पहले जितने भी कानून बनते थे उनको नियामक के नाम से जाना जाता था, अब जो इसके बाद में जो कानून बनने लगे उनको अधिनियम या एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक गतिविधियां समाप्त करके अब ये प्रशासनिक निकाय बन गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो प्रशासनिक निकाय बन चुका था, एक पूरा प्रशासन में दखलंदाज करने लग गया था व्यापारिक निकाय से छोड़ करके, ठीक है। 1833 में जो सिविल सेवकों के चयन की खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया इसके द्वारा, कि भाई 1833 में उसने कहा कि जो सिविल सेवा परीक्षा होती है उसका जो है आयोजन खुला होना चाहिए, उसमें कोई भाग ले सकता है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन यहां देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया साथियों, विरोध किया इस काम का, इस कारण से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो 1833 का चार्टर अधिनियम एक्ट क्या था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने साथियों, ठीक है। इसके साथ साथ मद्रास और जो बंबई के जो गवर्नर थे जो पहले विधायिका संबंधित काम करते थे अब उनको वंचित कर दिया गया, पहले के कानूनों को नियामक कहा जाता था, अब जो नए कानून बन रहे हैं उनको अधिनियम एक्ट बोला जाएगा। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया है ना वो व्यापारिक गतिविधियों से दूर दूर नजर आने लगी या उनको समाप्त कर दिया गया, अब वो एक पूरा प्रशासनिक निकाय बन चुका था, ठीक है। और 1833 में सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका क्या किया, विरोध किया, तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया जब उन्होंने विरोध किया तो, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो साथियों इसके बाद में हम देखते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और 6 नए पार्षद जोड़े गए जो विधान परिषद में, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। देखो साथियों पहली बार ऐसा हुआ कि जो गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है, उसके गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती, ठीक है, उसमें विधायी कार्यों को थोड़ा अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसके विधायी कार्यों को अलग कर दिया गया और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, ठीक है। और 6 नए पार्षद जोड़े गए इसके हेल्प के लिए, कितने, 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है, और जिसे विधान परिषद कहा गया या भारतीय विधान परिषद कहा गया, भारतीय विधान
परिषद कहा गया, ये जो नई, ठीक है ना। तो ये जैसे छोटी संसद की जैसी संरचना होती थी साथियों, और इसमें एकदम से ये जैसे अंग्रेज जो है या ब्रिटेन जो है सेम वैसा ही इसमें था, जैसे वहां का संसद है। तो इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ साथियों कि सिविल सेवकों की जो भर्ती है ना, वो चयन की प्रतियोगिता है, उसको खुली कर दिया गया इसमें कि कोई भारतीय भी सिविल सेवा में बैठ सकता था। और 1854 में जो मैकाले समिति है, मैकाले समिति की नियुक्ति कर दी गई, और वो किससे संबंधित की गई, मैकाले समिति की नियुक्ति सिविल सेवा से संबंधित। और केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। केंद्रीय जो विधान परिषद थी साथियों उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, यानी पहले तो लोकल यहाँ भारत की जो जनता को है कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा वहां के लोकल लोगों को, स्थानीय लोगों को इसमें क्या करने, प्रतिनिधित्व देने लगे। और गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 थे ना, 6 पार्षद थे या, ठीक है ना, उन 6 नए पार्षदों में से जो 4 हैं वो भारत के कहां से, बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा, ठीक है ना, वहां की स्थानीय और प्रांतीय सरकारों के द्वारा चुने जाएंगे, ऐसा बता दिया गया। यानी भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिलना या स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया गया, और 6 में से 4 जो पार्षद है बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा से चुने जाने लगे साथियों, ठीक है। साथियों आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमारा जो YouTube चैनल है या आपका अपना जो YouTube चैनल है जीके बाय मालाराम सरको को सब्सक्राइब करें साथियों, इसके साथ साथ हमारा जो वीडियो है उसको शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।